जहां पीएम मोदी ने मन की बात में उत्तरकाशी का जिक्र किया है, झाला गांव के युवाओं के खास पहल का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात खास कार्यक्रम में तो युवाओं ने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक पहल की है। तो गांव के युवा धन्यवाद प्रकृति नाम से ये अभियान चला रहे हैं। तो अभियान के तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है, तो गांव की गलियों से कूड़े उठाकर तय जगह पर रखते हैं युवा। अभियान से झाला गांव स्वच्छ हो रहा और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसा अभियान शुरू होगा तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र कर दिया है झाला गांव में जो युवाओं की तरफ से खास अभियान शुरू किया गया है, जिसे नाम दिया गया है धन्यवाद प्रकृति। और ऐसे में इस अभियान की सराहना करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में नजर आए हैं और इसके जरिए उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा अभियान हर कोई सोचे तो सोचिए कितना बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा। क्योंकि रोजाना 2 घंटे सफाई करने का जो योगदान अगर हर एक मनुष्य देता है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो साफ होगी और स्वच्छता को एक नई दिशा मिलेगी। तो गांव के युवा धन्यवाद प्रकृति के नाम से इस अभियान को चला रहे हैं। तो गांव की गलियों से कूड़ा उठाकर वो साफ सफाई करते हैं। तो ऐसा अभियान शुरू हो तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री ने ये सवाल भी किया है। तो झाला गांव के युवाओं के खास पहल का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहां के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहां ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। महावीर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, एक बड़ी पहल कहीं ना कहीं युवाओं ने शुरू की है और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया है, कितनी ज्यादा सराहनीय बात है और कैसा माहौल आप देखते हैं इस अभियान के तहत? बिल्कुल उन्नति बहुत निश्चित तौर पे अगर हम बात करेंगे इस समय उत्तरकाशी के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे एक झाला गांव पड़ता है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ता है भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत। और उस गांव की जो है जो वहाँ के युवा हैं, जो वहाँ के जो है ग्रामीण है या प्रधान है या महिला मंगल दल है, उन लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उनका मानना है कि हमने 2020 में इस कार्यक्रम को नाम दिया था धन्यवाद प्रकृति। उनका साफ कहना है कि प्रकृति से हमारा जीवन मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलते हैं, तो वो प्रकृति का धन्यवाद करना चाहते हैं। मगर जो 2020 में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था, जब प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम झाड़ू उठाया था, पूरे देश को सफाई अभियान के कार्यक्रम चलाया था कि स्वच्छ भारत कैसे बनेगा, उसके लिए हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। उसको जो है उनकी प्रेरणा लेके हुए जो है मैं झाला गाँव की बात करूंगा, जो वहाँ के युवा है इस समय, जो वहाँ का जो युवा मंगल दल अध्यक्ष है जिसका नाम अभिषेक रोतेला है, उनसे हमारी जब बात हुई थी उनका साफ कहना था कि 2020 से हमने कार्यक्रम को किया था मगर ये सफल नहीं हो पाएगा, मगर 8 जून 2024 से हमने इस कार्यक्रम को बेहद रूप देने के लिए एक पूरा संगठन तैयार किया है, पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के तहत जो है पूरे गांव को कटा किया कि हम प्रत्येक दिन 2 घंटे जो है अपने गांव की और क्षेत्र के जो 8 गांव पड़ते हैं, झाला के आसपास 8 गांव पड़ते हैं, उन 8 गांव में जो है प्रत्येक दिन 2 घंटे जो सफाई अभियान करेंगे और पूरे अपने क्षेत्र को जो है स्वच्छता अभियान के तहत जो है सबसे आगे लाएंगे। उसी तरह उनका मानना है कि यहाँ पे इस समय जो उससे पहले जो मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पे थे जय कृष्ण जी, उनसे भी उन्होंने जो है उन्होंने भी उस बारे में उनसे जानकारी ली थी और उनको जो है आश्वस्त किया था कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो हमसे पूछे, अगर स्वच्छता अभियान के तहत अगर कोई भी सामान चाहिए, जिस तरह से सफाई अभियान के लिए किसी चीज का सामान की आवश्यकता होगी तो हम उसको जो है जरूर देंगे। तो उनसे उनसे भी प्रेरणा लेके उन लोगों ने इस कार्यक्रम चलाया जो वहाँ की जो
प्रधान है सुरजा देवी, उनका भी साफ कहना है कि हमने जो पूरा सहयोग किया है और जो महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और ग्रामीण के जो युवा हैं उन लोगों को इकट्ठा किया और प्रत्येक दिन 2 घंटे जो इस कार्यक्रम को चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं। तो उससे देखते हुए आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया तो उनके काफी खुशी जाहिर किया उन लोगों ने, उनका मानना है कि हमने जो काम किया है पूरे देश के लिए, जो है हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि हम अपने घर और आंगन को किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा झाला गांव की, तो झाला गांव में जो है सुखी टॉप और झाला पड़ता है, जहां पे जो है होटल व्यवसाय भी रहते हैं, जो यात्रा करने गंगोत्री आते हैं तो वो लोग जो है उन जगहों होटल भी है वहां पे, मगर जो होटलों द्वारा जो कूड़ा करकट निकाला जाता था, चाहे सूखा कूड़ा हो गीला कूड़ा हो, वो एक जगह फेंक दिया जाता था और उस कूड़े की जब बरसात होती थी वो पानी जो कूड़ा जो है पूरी तरह से भागीरथी नदी में चले जाता था। तो उसको देख के उनको थोड़ा बुरा लगता था कि भागीरथी नदी यहाँ से बहती है, माँ गंगा को स्वच्छ कैसे रखा जाएगा। इसके लिए उसने उन लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया और अब वो कार्यक्रम जो है बेहद रूप से चल रहा है। जो हमने वहां पे देखा है जो लोग हैं वो सुबह जो 2 घंटे जो है अपना टाइम निकालते हैं स्पेशल सफाई अभियान में लग जाते हैं और पूरे क्षेत्र को इस तरह से स्वच्छ करते हैं। अभी मैं बात करूंगा झाला क्षेत्र में पूरी तरह से स्वच्छता अभियान बहुत ही बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है। उन लोगों का मानना है कि जो वहां पे प्लास्टिक इकट्ठा होता है उसको हम जब इकट्ठा करते हैं, वहां पे उत्तरकाशी में एक डीआरएस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिलाधिकारी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें जो है प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, जो बिस्लरी की बोतलें हैं, उन पे जो है बारकोड लगाया जाता है और उन प्लास्टिक को जो इकट्ठा करता है उन डीआरएस को सौंप दिया जाता है, उनकी गाड़ी आती है, उसके बाद जो है उस बारकोड में जो बारकोड लगा रहता है उसके तहत जो है स्कैन करके 10 रुपए प्रत्येक बोतल की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो ये कार्यक्रम इस समय अगर मैं बात करूंगा भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत बहुत ही अच्छा चल रहा है और स्वच्छता अभियान में इसका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वच्छता को कहीं ना कहीं जिक्र प्रधानमंत्री पहले भी करते रहे हैं अलग अलग मंचों से, और उन्होंने एक लास्ट में सवाल भी किया है कि अगर सोचिए ऐसा परिवर्तन सब जगह हो तो कितने बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा, ऐसे में कैसे जो युवा हैं इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और कितने लोग उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे कि क्योंकि ये अगर हम माने तो यहाँ से गंगा बहती है और गंगा यहाँ से जो है गंगा सागर तक जाती है, पूरे देश को जोड़ते हुए जाती है। तो अगर यहाँ से संदेश जाता है निश्चित तौर पे सफाई अभियान का, अगर ये संदेश यहाँ से बेहतर संदेश जाता है तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है और सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा जो जिला अधिकारी है वो खुद जो है उनका काफी उत्साह वर्धन करते हैं, भले ही जिला पंचायत में थोड़ा वहाँ पे कमियां देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम ग्रामीण एरिया की बात करेंगे तो ग्रामीण एरिया में जो है जिला पंचायत का ये काम होता है कि वो स्वच्छता अभियान चलाए। जब यहाँ पे यात्री आते हैं तो भले ही वहाँ पे स्वीपर दिया जाते हैं तो कुछ महीने तक जब ये फुल पीक पे सीजन होता है तो उस समय स्वीपर तो आते हैं मगर उसके बाद स्वीपर नहीं आते हैं, कई जगह पूरी गंदगी का अंबार बना हो रहता है, कहीं पहाड़ जो है बन जाते हैं गंदगी के, अगर हम देखें जो कूड़ा करकट एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। तो उससे देखते हुए अगर हम बात करेंगे भटवाड़ी ब्लॉक के जो झाला के लोग हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन लोगों ने जैसे अपने क्षेत्र को जो है 8 गांव को स्वच्छता अभियान खुद ये कदम उठाए हैं और सारे युवा इसमें जुड़े हैं, चाहे इसमें महिला मंगल दल हो या ग्राम प्रधान हो या गांव के स्थानीय लोग भी हो, सभी लोग इसमें मिलजुल कर एक उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं। और आज जो है अगर हम बात करेंगे झाला क्षेत्र की तो वहां पे काफी स्वच्छता देखने को मिलती है, जिस तरह वहां पे हमने देखे कि बागवानी क्षेत्र से वो जुड़े हुए लोग हैं और ज्यादातर पर्यटन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जो गंगोत्री में यात्रा करने आते हैं तो पर्यटन ही अक्सर ज्यादातर उन क्षेत्रों में जाता है। तो वो लोग जो बाहर से आते हैं वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कूड़ा करकट जो है फेंक देते हैं, जो होटल व्यवसाय है वो भी पूरा कूड़ा करकट भेज देते हैं। तो उन लोगों की अभी भी एक मांग है जिला प्रशासन से और जिला पंचायत से, उनका कहना है कि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, इन जगहों जो डस्टबिन लगने चाहिए, जो होटल व्यवसाय है वो सारे जो कूड़ा को जो है डस्टबिन में डाले ताकि उनको किसी तरह की समस्या न हो। लगातार जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, युवा मंगल दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जिला अध्यक्ष को भी बोला था कि यहाँ पे जो है जो कूड़ा संभालने के लिए वहाँ पे डस्टबिन लगने चाहिए तो अभी तक नहीं लग पाए। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो जिला पंचायत पूरी तरह से ध्यान नहीं देती है और लगातार जो जिस तरह यात्री आते हैं लगातार यहाँ पे जो कूड़ा करकट फेंकते हैं तो उसकी वजह से जो अंबार बन जाता है, जो गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, उसके तहत जो आज युवा जो है पूरी तरह से संगठित हुए हैं और एक जो एकजुट होकर जो इस कार्यक्रम चलाते हैं और बहुत खुशी भी मनाते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब हम इस काम को करते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि जो हमारा जो क्षेत्र है ये एकदम स्वच्छ और सुंदर बन रहा है। तो इसी की प्रेरणा लेके अगर हम देखें तो पूरे देश को इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्या नहीं कर सकता अगर युवा एक संगठित हो जाए या क्षेत्र के लोग अपने आप में एक संगठित हो जाए तो निश्चित तौर पर जो गंदगी इस समय जो है क्षेत्रों में देखने को मिलती है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आने वाले वक्त में हम लोग सभी स्वच्छ रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये सराहनीय पहल है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की है। बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारी के लिए।